जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का स्वागत करें। सभी आप मंच पर बैठे हुए आदरणीय नेतागण, पूरे देश से आए हुए कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, खास करके मध्य प्रदेश से आए हुए मेरे साथीगण, बहुत बहुत खुशी हुई आज इस रैली में आकर। आप सब ने आकर देश भर से आके हर कोने किनारे से आकर कांग्रेस का मान सम्मान किया। आपने कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को देश भर में बल और शक्ति दी, हर कार्यकर्ता को आपने संदेश दिया। आप सब यहां हैं, आप उस संस्कृति में विश्वास रखते हैं जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे कांग्रेस की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति है और यही देश की संस्कृति है। आजादी के संघर्ष के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे देश को संविधान दिया, केवल अपने देश को यह संविधान नहीं दिया पर पूरे विश्व को ऐसा संविधान दिया, ऐसे देश को संविधान दिया जहां इतनी विभिन्नता है। कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो, इतनी जातियां हो, इतनी भाषाएं हो, इतने त्यौहार हो, इतने रसम हो। कोई ऐसा देश नहीं है पूरे विश्व में जहां इतनी देवी देवताएं हों। और आज अपना देश, अपने देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, इसीलिए एक झंडे के नीचे खड़ा है। यही हमारे देश की मानता है, यही हमारे देश की मानता है। विश्व, पूरा विश्व अपने देश की ओर देखता है, ताज्जुब से देखता है कि ऐसा देश जिसमें इतनी अनेकता है कैसे एक झंडे के नीचे खड़ा है। आज इस संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। महंगाई की बात बहुत हो गई पर हमें पहचानना है कि कैसे अपने देश की संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। हमें तय करना पड़ेगा कौन से रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, अपने देश की संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं या मोदी के संस्कृति के रास्ते में चलना चाहते हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे देश के सामने है। देश की तस्वीर आप सबके सामने है, देश की तस्वीर आप सबके सामने। हमारा बेरोजगार नौजवान हो, भटकता नौजवान हो, जो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, आज ये भटक रहा है, इसका भविष्य अंधेरे में है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान में एक तरफ है व्यवसाय का मौका मिले, रोजगार का मौका मिले। आज ये भटकता हुआ नौजवान के सामने जो हमारा देश का निर्माण करेगा भविष्य में, उस भविष्य अंधेरे में है। हमारा किसान लीजिए, किसान लीजिए, किस तरह किसानों के साथ अन्याय, कैसा अन्याय हमारे किसानों के साथ। मूल्य, खाद, बीज, ये आज समस्या। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, ये हम कभी ना भूलें। जिसकी किराने की दुकान गांव में है, वो किराने की दुकान चलती है, उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी कपड़े पहन सकते हैं, जब किसान के जेब में खरीदने की ताकत हो, क्रय शक्ति हो। आज किसान, किसान और कृषि क्षेत्र का क्या हाल है, और ये हाल पूरे देश के सामने है। हम महिलाओं का अत्याचार ले, छोटे व्यापारी की स्थिति देखें, ये आज स्थिति हमारे सामने है। आज किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, छोटा व्यापारी बिना व्यापार के, मोदी जी आप किस काम के, ये आज तस्वीर हमारे सामने है। पिछले 7 साल में नोटबंदी ने
बेरोजगारी ले, कोविड ले, कोविड ने कितनी लंबी चौड़ी बात करते थे, कितने लाखों, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आंकड़े बता रहा हूं, शमशान घाट के आंकड़े, हमारे कब्रिस्तान के आंकड़े, आपने छिपाने और दबाने का प्रयास किया।